इतना झगड़ा पिसाद यहाँ हो गया है तो इनकी तलाशी क्यों नहीं ले लेते? नहीं सर, इनकी तलाशी लेकर देख लो ना कितना हथियार आतंकवादी है, क्या आए पता लग जाएगा। गांव निवासी जो आए थे वो कहीं ना कहीं आरएसएस के गुंडे थे ऐसा बोल रहे हैं। इनके पास तो निशान आरएसएस वाले को निशान लेकर आया क्या? ये तो निशान साहिब का झंडा लहरा दिया उन्होंने, ये लगवा लो ना अपने भाई, ये हनुमान जी का लगवा लो हमारे किसान, वो तो हनुमान जी तो भगवान है सबके हैं, जय श्री राम की कोई बोल नहीं सकता। हमने देखा कि उनके पास जो है 26 जनवरी को तलवारें भी थी, भाले भी थे, डंडे भी थे, तो आप भी किसान है क्या? आप भी इस तरीके की हथियार रखते हैं अपने पास? जिस तरीके आप देख सकते हैं सब, आप तो रोज रहते हैं इसमें, को किसी के पास है क्या डंडा अलाउ? इनके पास हथियार अलाउ पहले से ही है, तो उनके पास हथियार कैसे हैं? क्या ये किसान है? ये कृपाण रखते हैं, वो इनका धर्म धर्म में शामिल हो गया। तलवारें होना, गड़ा से हो रहा, फर से होना, ये क्या है? तो हम तो मैं तो ये कहते हैं, हम तो पूरी जनता ये कहते हैं किसी तलाशी लवा लो, तलाशी पता लग जाएगा क्या है। ये वीडियो जो है वो वायरल हो रही है जिसमें कई सारे जो सरदार हैं वो खड़े हुए हैं, निहंग सरदार जो होते हैं वो खड़े हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि चाहे 2 लाख आए चाहे 10 लाख गांव वाले आए उनको बोरियों में भेजेंगे, ऐसी बातें बोल रहे हैं। नहीं, वे अगर सब बोल रहे हैं ये पब्लिक इधर उधर की भड़कगी तो ये नहीं भेज सकते ना बोरियों में, उन्हें ट्रोली में लाद देंगे ना ये लोग भी। तो ऐसा करने के लिए बॉर्डर पर संभाल लो, चीन के साथ चले जाओ, झगड़ा वहाँ हो रहा है वहाँ देख लो, पाकिस्तान के साथ हो रहा है वहाँ चले जाओ, ये वहाँ देख लो अपनी मर्दानगी, यहाँ कहीं को दिखाने किसान कहीं। तो यहाँ पर जो है राकेश टकेत पहले तो ये बोल रहे थे कि लाठी लेके चलो, अब वो थोड़े टाइम बाद जो है रोने लग गए थे। रोने लगे क्यों? देखो जी, इतनी बड़ी राजनीति तो हम नहीं जानते, पर ये जो डंडे लेके गए हैं, परेड निकालने गए हैं, हर आदमी के हाथ में नई लट्ठी थी, तो ये पंजाब से आई कहाँ से आए नई लट्ठे? जो नई लटाए हैं उन्हें ले लेकर जा रहे हैं, वे कहाँ से आए? प्रशासन ने तो वो भी देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा, वो उस पर भी तो एक्शन लेना चाहिए था ना कुछ। राकेश टकैत यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि जो 26 जनवरी को जो भी कुछ हुआ वो पुलिस और प्रशासन की गलती थी, इसमें उनकी कोई गलती नहीं। प्रशासन की गलती आए ना यही रोक देते इन, इन, प्रशासन तो यही हो गया ना, जो यही रुक जाते कुछ भी नहीं होता। आप भी एक किसान है तो क्या आप जो ये कृषि बिल जो आया है उसका समर्थन करते हैं? हाँ, समर्थन तो नहीं कर, हम तो ये करते हैं जो इसमें नुकसान दे रहा हो, कोई गलत हो उसको हटा लिया जाए और बाकी काम चला करके ही मतलब जो है कहीं ना कहीं समाधान होगा। गाँव में परेशानी आ रही है अनजान की, 2 महीने हो लिए तबाह कर रखे हमारा गाँव, हमारे रोड टूट गया था, ये बढ़ाने थोड़ी आ जाएंगे ना, गवर्नमेंट बनाओ ये ना बनाओ, दिक्कत रही थी गाँव वाला रहेगी। तो आप लोग बात करने गए थे? नहीं, मैं सर्वे करने गया था, सर्वे करने गया था सर्वे। अच्छा अच्छा, फिर क्या क्या वहाँ पर क्या देखा आपने? मैंने देखा जो उन्हें नेता है उन्हें पता है और पुलिस वाले ने पता है भाई ये घोड़े हथियार भाले तो इन पहल में इंतजाम क्यों ना कराइए, निकाले क्यों ना यहाँ से जो ऐसी चीज ले रही थी। तो आप लोग भी किसान हैं, यहाँ पर इनके पास जो घोड़े और तलवारें भाले ये सारी चीजें इनके पास देखी गई, तो क्या किसान के पास ये सारी चीजें होती हैं? आप भी किसान हैं, आपको पता होगा। हमारे दौर से रोटी खाई, गंठा खाया, हल बाया और खेत में सो के डलाया हुआ है, और मैं तो कल है सोचो का श्यान मानो सो पड़ेगा अली पर वाले का, वो बीच में बढ़ गए अपनी वो जान मरण की वो सोची उसे, ये बीच में बढ़ गया अपनी तलवार हाथ में पकड़ी उनकी लागी उसका तलवार। तो यहाँ के लोकल लोग जो गए थे उनसे बात करने के लिए तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो है तनातनी रही, मतलब जो तनाव रहा, और उसके बाद जो कुछ नेताओं ने बोल दिया कि जो यहाँ के लोकल निवासी गए थे वो आरएसएस के थे, वो आरएसएस के गुंडे थे, गुंडा बोल दिया उन्हें। मैं वहाँ नहीं गया, मैंने नहीं पता, पर हमारे एसओसी साहब ने बहुत बढ़िया काम करा है, ना पता नहीं कितना आदमी मर जाता कट जाता। अलीपुर के एसएचओ पर जो तलवार से वार किया गया उसके बाद ये बोला जा रहा है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था सारी चीजें। अरे एसएचओ ने बचा दिया मामला, बीच में बढ़ गया के बेरा कितने आदमी मर जाए। हाँ जी, और जिस तरीके से हमारे जो तिरंगे का जो अपमान किया गया उस पर जो केजरीवाल जो ये है, आज मैं मोदी का न्यूज देखता हूँ अपनी टीवी में, उन्हें ये कहा है किसानों के हाथ जोड़ गए इन भाई, डेढ़ साल की बजाय हमने 2 साल कर दिए, हम बात करने के लिए तैयार है, किसी टाइम बात करो, बात ना निमटाओ, बताओ मत, लेकिन बात करने के लिए तो तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि तीनों कानून जो है, तीनों जो बिल है वो वापस ले लिए जाए। बस हमने ये ऑर्डर लगा कर दे, हमारी धरती ना खत्म कर लिए, ये मुकेश डाल में हमने ये लगा है। अच्छा, पहले से ही क्यों आप उन लोगों का विरोध करने क्यों नहीं गए? पहले से ही आप लोग उनसे बात करने क्यों नहीं गए? पहले क्यों बात करने के लिए? बात करने नहीं गई, मैं तो एक बार सर्वे देखने करने गया था, जब मैंने बता दिया आपसे वहाँ घोड़े गाड़े सब कुछ हथियार पथियार सब देख के, पर वे पानी थी पैसा भी भारे थे, पता नहीं कितने पैसे ले आओ थे, इतना खर्चा कर रहे थे। परवेश हूँ, यहाँ बॉर्डर पे मैं ड्यूटी करता हूँ।
लॉकडाउन में ये स्थिति नहीं थी जो आज स्थिति बनी है। आज ये स्थिति है, 2 महीने से एक पैसे का सेल नहीं हो रहा है। मालिक नौकरों को जो काम कर रहे हैं लोगों को, उनको कहाँ से पैसे देंगे, ये देखना चाहिए सरकार को। ये देखना चाहिए कि कैसे इनको समझाया जाए, या फिर इन्हें ये सोचना चाहिए हम कैसे समझें। सरकार उनको कह रही है कि मतलब इस पर संशोधन करो, इन्हें भी ये सोचना चाहिए जो सरकार कह रही है उस पर भी विचार किया जाए, सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है उस पर भी विचार किया जाए। सब मिला जुला के विचार करने से, संशोधन करने से ही समय निकलेगा, और लोगों का भी बारे में सोचना चाहिए। लेकिन संशोधन के लिए तो आगे आई नहीं रही है, कह रहे हैं कि तीनों बिल वापस करो। मतलब एक छोटा बच्चा जिद करता है कि मैं आग को छूं, आग छूने से जल जाएगा, बाप माँ बाप यही जानते हैं कि आग छूने से जल जाएगा, तो इन्होंने कह रहे हैं सीधा बिल रद्द करो। बिल रद्द करने का मतलब हो गया जिद करना। अरे आपको जो भी दिक्कतें हैं उसको सरकार के सामने रखो, उसको क्लियर करो कि हाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। MSC भी दिक्कत है, किस पे भी दिक्कत है, आप उनको रखोगे तो आप वो क्लियर करेंगे। उसके बाद जो है ये भी सोचो लोगों के बारे में, कैसे जो यहाँ बॉर्डर पे जितने कंपनियाँ हैं सारे बंद पड़ी हैं, कुंडली में बंद पड़ी हैं, फिर इधर दिल्ली के अंदर भी बंद पड़ी हैं, और कितने कामगार हैं जो रोजगार हैं, डेली काम करने वाले लोग। आम आदमी पार्टी तो लेकिन यहाँ पर ये बोल रही है कि इनके साथ जो है सरकार तानाशाही कर रही है, जो यहाँ पर बैठे हुए किसान। जी यहाँ पर किसी का भी, चाहे आम आदमी पार्टी कहे या फिर कांग्रेस कहे या BJP के लोग कहे, कोई भी कहे, पार्टियों से हम नहीं कह रहे हैं। हमारा कहने का मतलब यहाँ लोगों को दिक्कत हो रही है। सरकार को इसका कोई ना कोई व्यापक निकालना चाहिए, क्योंकि लोगों को दिक्कत हो रही है। जो लोग दूर दराज से UP बिहार से कई दूरों से महाराष्ट्र से लोगों आए हैं यहाँ कामगार करने के लिए, उनकी रोजी रोटी पे जिसके बच्चे हैं, 3-3 बच्चे 2-2 बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? 2 महीने से अगर 2 महीने में तनख्वाह नहीं मिलेगी वो क्या खाएंगे? यहाँ के जो लोग, जो किसान जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके बीच में और यहाँ के जो लोकल निवासी हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं जो है झड़प हो गई, लड़ाई झगड़ा बढ़ गया था, उसके बाद एक पुलिस अधिकारी का हाथ काट दिया गया इन जो किसान बैठे हुए उनके द्वारा। तो वहाँ पर ये बात सामने आती है कि कई सारे नेता राजनेता ये कह रहे हैं कि ये तो RSS के गुंडे थे, जो यहाँ लोकल गांव वाले नहीं थे, RSS के गुंडे थे, ऐसा बोला जा रहा है। जी देखिए नेता लोग तो यही कहेंगे, वो अगर आप उनके खिलाफ कहोगे वो कहेंगे वो उनके आदमी थे, उनसे कहोगे वो कहेंगे उनके। लेकिन यहाँ पे जो लोग परेशान हैं, लोग परेशान हैं, जो भूखे पेट से एक रात को सो रहे हैं, दिन को सो रहे हैं, वो कौन देख रहा है? यहाँ लोकल के लोग ही देख रहे हैं ना, कोई नेता तो नहीं आ रहा देखने के लिए। मैं ये कहता हूँ ये धरना जो कर रहे हैं करें, लेकिन हम ये कहते हैं जो अपना हाईवे नेशनल हाईवे बंद कर रखे हैं, ये उठा करके, हम ये नहीं मना करेंगे ये धरना ना करें, धरना करें, कहीं ले जाएं दिल्ली के अंदर, कहीं भी जगह ले ले, रामलीला मैदान ले ले, कहीं भी एक जगह ले ले, वहाँ बैठें जो लोगों की दिक्कत ना हो, और ये लगातार सरकार से बात करते रहे। और बात करते करते कोई ना कोई, अगर आप जो है रगड़ोगे उसमें तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा, हो सकता है बात सरकार के मन में भी बैठ जाए, आपके भी मन में बैठ जाए, कहीं दूर रखो जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो। हम यही कहते हैं, आपकी पेट पूजा चल रही है, हमारी भी पेट पूजा चले, और ऐसा नहीं है तलवार चाकू लेकर के ये सब इस निर्णय का हल नहीं है। ये किसान कोई भी नहीं लेके घूमता, किसान बहुत ज़्यादा करता है, एक लठ लेके चलता है, उनको डर नहीं रहती। आपको डर है इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो, इसलिए लग रहा है कि आपको कुछ गलत हो, इसीलिए आप, मेरा कहना मतलब यही है, आप कहीं दिल्ली में जाओ, रामलीला मैदान हो गया, कहीं भी जाओ, आप बुराड़ी में जाओ, वहाँ रहो आराम से, और इस बिल के खिलाफ आप लड़ो, आप जीतो, हम कहते हैं आप भी जीतो, लेकिन लोगों के बारे में भी सोचो। मैं तो यही हाथ जोड़ के आपसे विनती करूंगा कि आप ऐसा ही करो। डन। जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके मन में आक्रोश है इन किसानों को लेकर, और वहीं अगर हम देख लें अब सिंघू बॉर्डर में भी कहीं ना कहीं जो है तनातनी और कहीं ना कहीं तनाव बना हुआ है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।